छोटू एक अनाथ लड़का था। वो समुन्दर के किनारे तरह तरह के सीप के बने खिलौने बेचता था। खिलौने बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उसी से अपना गुजारा करता था। जब भी वो समुन्दर के किनारे किसी बच्चे को अपने माता पिता का हाथ पकड़कर जाते हुए देखता तो कितने भाग्यशाली हैं ये लोग जिनके माता पिता इनके पास हैं। हमने कभी अपने माता पिता को देखा तक नहीं। एक दिन रात से ही बरसात हो रही थी। छोटू सुबह से खिलौना बेचने का प्रयास कर रहा था पर एक भी खिलौना नहीं बिका था क्योंकि कोई समुन्दर के किनारे आया ही नहीं था। अचानक उसने देखा कि एक परिवार अपने दो बच्चों के साथ बारिश में भींगता हुआ समुन्दर की तरफ जा रहा था। बाबूजी खिलौने ले लो, सीप के खिलौने हैं, मुन्ना मुन्नी को बहुत अच्छे लगेंगे। चल हट, दूर जाकर बेच अपने खिलौने। एक तो इन बच्चों ने नाक में दम कर दिया है कि बरसात में समंदर की लहरों के साथ मस्ती करेंगे, ऊपर से ये और आ गया। बाबूजी खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। बाबूजी बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। छोटू उनके पीछे पीछे आंखों से आंसू पोंछता हुआ चला जा रहा था। अचानक, क्यों भाई, तूने सुना नहीं क्या? तुझको बोला था ना कि हमें खिलौने नहीं चाहिए, फिर क्यों हमारे पीछे पीछे चला रहा है? माँ जी मुझे आप सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अनाथ हूँ ना, मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा, इसीलिए माता पिता और बाल बच्चों वाला परिवार देखकर उनके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा इधर आ, एक दिन में कितने खिलौने बेच लेता है तू? 20-25 रुपए मिल जाते हैं। उन पैसों का क्या करता है? कुछ पैसे का सामान खरीद कर अनाथालय में अनाथ बच्चों को दे देता हूँ और कुछ पैसे बूढ़ी दादी को दे देता हूँ जो मुझे रोटी बनाकर खिलाती हैं। वो भी मेरी तरह अनाथ है ना। छोटू बोलते बोलते थोड़ी देर में अपनी नाक भी सुड़क लेता था। अच्छा वो क्यों अनाथ है? उसके तो दो जवान बेटे समंदर की लहरों में समा गए थे ना, इसीलिए वो कहती है कि मैं भी तेरे ही तरह अनाथ हूँ। हम दोनों अक्सर समंदर की लहरों से बातें करते रहते हैं। वो तो लहरों को खूब डांटती है, लहरें उसके डांटते ही चुपचाप चली जाती है। ओहो, अगर मैं तेरे सारे खिलौने खरीद लूं, तो क्या तू अपनी बूढ़ी दादी को यहाँ ले आएगा? दादी बरसात में कैसे आएंगी? आपको मिलना है तो हमारे घर में चलिए। ठीक है, जब समुन्दर से लौट कर आएंगे तब चलेंगे। सब समुन्दर किनारे पहुँच गए थे। बच्चे लहरों में खेलने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि पलक झपकते ही लहरों में कूद कर खेलने लगे। थोड़ी देर सबने खूब मस्ती की। छोटू थोड़ी सी सहानुभूति पाकर उनके साथ ही था। अचानक हवाएं बहुत तेज हो गई और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आप लोग बाहर निकल जाओ, ये लहरें कभी भी खतरनाक रूप ले सकती हैं। जल्दी करो, ये जादुई लहरें हैं। उसके इतना कहते ही बाबूजी और अरुणा बच्चों का हाथ पकड़ बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। भागते हुए सब बाहर आ गए। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, आप सब मेरे घर चलिए जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है। ये तूफान धीरे धीरे भयानक होता जा रहा है, लहरें भयानक होती जाएंगी। हम तुम्हारे घर क्यों जाएंगे? अपनी गाड़ी में बैठकर अपने होटल नहीं चले जाएंगे? बाबूजी ये लहरें और तूफान आपके होटल की तरफ ही जा रहे हैं। मेरा घर दूसरी तरफ है, उस तरफ जाना आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कहते कहते वो लड़का लगभग सर रो पड़ा। चल जल्दी अपना घर दिखा। सब लोग जल्दी जल्दी उसके घर की तरफ आए। उन्होंने देखा कि एक बहुत छोटा सा घर था जो काफी ऊंचाई पर था। सब लोग उस घर में चले गए। अरे छोटू आज कितने मेहमानों को ले आया रे, लगता है पूरा परिवार ही आ गया है। दादी आज लहरों का रुख ठीक नहीं दिख रहा था, तूफान आ रहा था, सो मैं इन्हें अपने घर ले आया। तब तक समुन्दर की लहरों का भयानक शोर आता हुआ सुनाई पड़ा। छोटू की आवाज किसी को न सुनाई पड़ी। लहरों का ऐसा विकराल रूप देखकर अरुणा और बच्चे डर गए। छोटू के घर को भी लहरों ने छुआ पर भाग जाओ ये लहरों, यहाँ तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। मैंने तो अपने दो बेटों को तुम्हें सौंप दिया है, मेरे दरवाजे आई तो मैं अपने छोटों के साथ कूद जाऊंगी। चली जाओ यहाँ से। लहरें किसी आज्ञाकारी बालक की तरह चुपचाप वापस चली गई
और छोटू के घर के दरवाजे पर ढेर सारे सोने के सिक्के छोड़ गई। ये सब क्या है? कुछ लहरें जादुई है और कुछ बेहद खतरनाक है। जादुई लहरें सबका सुख दुख समझती है, दोनों एक दूसरे की दुश्मन है। जादुई लहरें हमेशा सबकी मदद करना चाहती है, पर खतरनाक लहरें विनाश का खेल खेलती है। आप इतना कुछ कैसे जानती हैं इसके बारे में? मैंने अपने दो दो लाल खोए हैं इस समुन्दर की लहरों में। बाबूजी ने जैसे ही ये बात सुनी बाहर से भागते हुए अंदर आ गए और बूढ़ी दादी को देखते ही उनसे लिपट गए। माँ तुम कहाँ थी? माँ मैंने तुम्हें कितना ढूंढा था, मैं ही तुम्हारा बिहारी हूँ। बेटा इतने सालों से रोते रोते मेरी आंखें भी फूट गई, तो कहाँ चला गया था? और तेरा भाई मदन कहाँ है? मैं तुम्हें उसके पास भी ले चलूंगा, आज अगर ये छोटू ना होता तो हम कभी नहीं मिल पाते। बाबूजी ये तो जादुई लहरों का कमाल है, देखिए ना उधर भी समुद्र कितना शांत हो गया है। माँ बेटे का मिलन देखकर अरुणा आश्चर्यचकित थी, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पति ने भी इतनी गरीबी भी देखी थी। उसकी शादी तो एक बहुत बड़े उद्योगपति से हुई थी। आपने तो हमें कभी नहीं बताया कि आपकी माँ भी है। दरअसल समुद्री की लहरों ने हमें ना जाने कहाँ ले जाकर पटक दिया था। एक दयालु मछुआरे ने मुझे अपने घर में रखकर मेरा इलाज किया। 2 महीने बाद मुझे होश आया तो मैं अपने घर की तरफ आना चाहता था, पर मछुआरे ने मुझे समझाया। मेरा मछलियों का व्यापार बहुत बड़ा है, अगर तुम रुक जाओ तो मैं तुम्हें अपने व्यापार के सारे गुर सिखा दूंगा। तुम्हारी माँ के पास एक बेटा तो है ना, मैं तो निसंतान हूँ। समझाते समझाते वो रो पड़ा था। उसके बाद मैं वहीं रुक गया और मछलियों के व्यापार में व्यस्त हो गया। आपने अपनी माँ को रोने के लिए छोड़ दिया? नहीं रे, मैं तो कई बार आया, पर मुझे क्या पता था कि माँ का अपना घर है, हम तो झोपड़ी में रहते थे। क्यों माँ? हाँ रे, सरकार ने तुम दोनों की मौत का मुआवजा दिया था, उसी से घर बनवा लिया था। मन में उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहा कि शायद मेरे बच्चे आ जाएं। देखो मेरी उम्मीद भगवान ने पूरी कर दी, बेटा तो बेटा साथ में पूरा परिवार भी आ गया। माँ जी अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। और मेरा छोटू वो भी हमारे साथ जाएगा, अपने मुन्ना मुन्नी के साथ स्कूल जाएगा। पर मेरा मदन कहाँ है बेटा? माँ वो भी हमारे साथ ही रहता है, जब मैंने मछलियों का व्यापार शुरू किया था ना तभी एक दिन मछली बेचते हुए वो मिल गया था, तब से मेरे साथ ही रहता है, उसके भी बच्चे हैं। हाय रे नसीब, पहले तो भर भर कर रुलाता है, फिर इकट्ठे इतनी खुशियाँ एक साथ दे जाता है। तब तक छोटू बाहर से सबके लिए चाय बिस्किट और मुन्ना मुन्नी के लिए कुछ खाने को ले आया था। बाबूजी मैंने कहा था ना कि उस तरफ मत जाइए, देखिए उन लहरों ने कितने पेड़ उखाड़ दिए और कितने झोपड़ियां बहा दी। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो अब तक तूफान भी शांत हो गया था। सबने बाहर झांक कर देखा तो वाकई बहुत भयानक मंजर था। अरुणा ने छोटे को गले लगा लिया। अगर तू ना होता तो हम सब खत्म हो जाते। नहीं माँ जी, आप लोग कैसे मर सकते थे, दादी को उनके बेटों से मिलना जो था। बाबूजी सबके साथ गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। जादुई तूफान ने पूरे परिवार को मिला दिया था। एक गांव में कौशल नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। कौशल के पास बहुत धन होने के बावजूद भी घमंड बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ही दयालु और गरीब लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति था। वह किसी को कष्ट में नहीं देख पाता था। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना धन देने के काबिल समझा। मैं भी आपसे वादा करता हूँ मरते दम तक गरीबों की मदद करूँगा। हर महीने कौशल अपने घर गरीब लोगों के लिए आयोजन करवाता था और उन्हें भर पेट भोजन खिलाता था, उन्हें कपड़े लत्ते भी देता था। सभी भोजन करके चले जाते, कौशल सभी के झूठे पत्तल उठाकर बाहर फेंकने आता। जब वह सारे पत्तल फेंककर वापस घर जा रहा था तभी उसने देखा एक बूढ़ा इंसान कीचड़ में फंसा हुआ है और निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। कौशल उसके पास जा ही रहा था तभी देखता है वो बूढ़े बाबा बेहोश होकर उसी कीचड़ में गिर गए। कौशल दौड़ता हुआ वहां आया और बूढ़े बाबा को कीचड़ से निकाला और कंधे पर उठाकर अपने घर ले आया। बाबा जी उठ जाइए,
कौशल उस बूढ़े बाबा के ऊपर पानी छिड़कता है। तुरंत उनकी आंखें खुलती हैं। कहां हूं मैं? मैं तो कीचड़ में फंस गया था, यहां कैसे आ गया? बाबा शांत हो जाइए, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरा नाम कौशल है, मैंने ही आपको कीचड़ से निकाला है और यहाँ अपने घर में लेकर आया हूँ। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बाबा ऐसा मत बोलिए, ईश्वर ने हम सभी को धरती पर भेजा है तो हम सभी को मिलजुल कर और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे भी आप तो मेरे पिता के समान हैं। तुम जैसे बच्चे आजकल मिलते कहाँ हैं? कहो तुम्हें भी अगर मुझसे कोई मदद चाहिए तो मैं जरूर करूँगा। नहीं नहीं बाबा जी, भगवान की कृपा से अभी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बेटा तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा। जी बाबा जी, आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा तकलीफ मत लो, मैं अब भी ठीक हूँ, चला जाऊंगा। बाबा वापस अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद कौशल को पता चलता है कि उसके चाचा जी का खत आया है, वह आज ही पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। यह सुनकर कौशल बहुत खुश होता है। कौशल के चाचा जी अपने पूरे परिवार के साथ कौशल के घर आते हैं। आइए चाचा जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं बेटा, तुमने तो भेज दिया था कुछ लोगों को हमारी सामान यहाँ तक लाने के लिए, तकलीफ किस बात की? और बताइए क्या चल रहा है जीवन में? बेटा अभी तो स्थिति अच्छी नहीं, पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है। क्यों चाचा जी, आप तो अच्छी जगह काम करते थे। हाँ करता था, मगर कुछ महीनों पहले ही उन लोगों ने मेरी जगह किसी और को रख दिया है, इसीलिए मुझे काम से निकाल दिया। रहने को भी कोई जगह नहीं है, इसीलिए सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा जी, आप एक काम कीजिए, कुछ दिन क्यों, आप चाची और चिंटू तीनों यहीं मेरे साथ मेरे घर पर ही रह जाइए, फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकता। चाचा जी बोझ किस बात का, आप मेरे चाचा हो, आप मेरे साथ आराम से रह सकते हो। कौशल के चाचा मान जाते हैं। 3 महीने बीत चुके थे, कौशल और उसके चाचा का परिवार सभी खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन कौशल गांव में घूमने जाता है और सभी से उनका हाल चाल पूछता है, फिर कुछ ही घंटों के बाद वापस घर पहुंचता है। चाचा जी शाम का चाय नाश्ता हो गया? बेटा हमारा चाय नाश्ता हुआ या नहीं अब इसकी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चाचा जी क्या हो गया? चलो निकलो हमारे घर से, अब से ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि हमारा घर है। चाचा जी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? सीधी बात कर रहा हूँ, अब से ये घर मेरा है, तू निकल यहाँ से। ये देख तूने ही इन पर अपने दस्तखत किए हैं, देख ले अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। कौशल उन कागजात को देखता है और हैरान रह जाता है। मगर चाचा जी आपने तो कल ये कहकर दस्तखत ली थी कि ये चिंटू के नए स्कूल में दाखिला के कागजात है जिस पर आप चाहते थे आपकी जगह मैं दस्तखत करूँ। बेटा वो सब तो बहाना था, मैं यहाँ आया ही इसीलिए था, मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी मेरा काम हो जाएगा, अब चलो निकलो यहाँ से। कौशल के चाचा धक्के मारकर कौशल को घर से निकाल देते हैं। कौशल रोता हुआ घर से निकल जाता है। क्या करूं अब कहाँ जाऊं? कौशल उदास होकर एक और बैठ जाता है। तभी वहाँ से वही बूढ़े बाबा गुजरते हैं जिनकी मदद कौशल ने की थी। कौशल को इस तरह परेशान देखकर कौशल के पास आते हैं। बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अरे बाबा जी आपको क्या बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ है। बेटा तुम बिना हिचकिचाए मुझे अपनी समस्या बता सकते हो, बोलो बेटा। कौशल सारी बातें बाबा को बताता है। बेटा तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जी बाबा जी अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं कहाँ रहूँगा? बेटा तुम्हें याद है मैंने कहा था कभी भी मदद की तुम्हें जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर पर रहना और मेरे पास ढेर सारे चीकू के पेड़ हैं, मैं चीकू की खेती करता हूँ, तुम चलो तुम भी मेरा काम में हाथ बटा लेना। यह सुनकर कौशल थोड़ा सोचने लगता है। क्या हुआ बेटा सोच क्या रहे हो, चलो मेरे साथ।
कौशल बाबा की बात मान जाता है और बाबा के साथ उनके घर आता है। बाबा एक झोपड़ी बनाकर रहते थे, कौशल भी वहीं रहने लगा। बाबा देखिए, पेड़ में ढेर सारे चीकू लगे हुए हैं। हाँ बेटा, इस बार तो बहुत ज्यादा ही चीकू उग रहे हैं। बाबा क्या मैं इन चीकू को तोड़कर बाजार लेकर बेचने जाऊँ? इससे हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, मैं ही थोड़ा थोड़ा ले जाकर बेचता था, अब इतनी शक्ति कहाँ बची मेरे शरीर में। आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि कौशल के चाचा ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। जब कौशल चीकू लेकर गांव के बाजार में बेचने आता है तो सभी उसे देख ही रहे थे। आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, मगर कोई बात नहीं, मैं वापस अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। आइए, आप सभी आकर चीकू खरीदिए और खाकर बताइए कैसा स्वाद है। सभी को कौशल के किए सभी मदद याद आते हैं। सभी तुरंत कौशल की दुकान के पास भीड़ लगा लेते हैं और चीकू खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर में चीकू बिक जाते हैं। कौशल वापस बाबा के घर आता है और सारे पैसे उन्हें दे देता है। बाबा जी ये लीजिए, चीकू बेचकर इतने पैसे मिले हैं। बेटा इन सभी पैसों को तुम ही रखो, सारी मेहनत तुम्हारी ही है। नहीं नहीं बाबा जी, ये आप रख लीजिए। अच्छा, कल जो पैसे मिलेंगे वो मैं लूंगा, आज वाला तुम ही रखो। कौशल बाबा की बात मान जाता है। अगले दिन जब कौशल पेड़ से चीकू तोड़ रहा था, तभी पेड़ पर लगी चीकू कहती है, अरे रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे तुम कौन हो? मैं एक जादुई चीकू हूँ, मुझे तोड़ो फिर देखना कमाल। कौशल उस चीकू को तोड़ता है और देखता है वह चीकू कुछ ही क्षण में आम चीकू से सोने की चीकू में बदल जाती है। यह देखकर कौशल को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह चीकू को अंदर झोपड़ी में ले जाकर रख देता है। अगली सुबह वह देखता है कल उसने जहाँ चीकू तोड़ा था वहाँ वापस से एक चीकू लगा है। वह चीकू कौशल से कहती है, हर रोज यहाँ एक नई जादुई चीकू उग जाएगी और तुम्हारे तोड़ने के बाद वह सोने में बदल जाएगी। यह सुनकर कौशल खुश हो जाता है और उसे तोड़कर अंदर झोपड़ी में रख देता है और बाकी की चीकू तोड़कर बाजार में बेचकर आता है। हर रोज सोने के चीकू पाकर कौशल खुश था, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हो रहा है। वह बाबा से बात करने की सोचता है। बाबा जी मुझे हर रोज एक सोने का चीकू मिल रहा है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? यह सुनकर बाबा हंसते हैं और कौशल से थोड़ी दूर चले जाते हैं। क्या हुआ बाबा जी? वह बाबा जी एक जादूगर में बदल जाते हैं। यह देखकर कौशल आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या आप बाबा जी नहीं तो आप कौन हैं? मैं एक जादूगर हूँ, सुना था तुम बहुत लोगों की मदद करते हो तो सोचा तुम्हारी परीक्षा ली जाए, इसीलिए मैं कीचड़ में फंस गया था और फिर बेहोश हो गया था। तुमने जिस तरह मेरी सेवा की मैं समझ गया था तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। फिर मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा तो मुझसे देखा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। ये सभी चीज मेरे द्वारा बनाई गई है, सभी चीकू के पेड़ पर जादुई चीकू फलते हैं, सभी पेड़ से एक एक सोने के चीकू मिलेंगे तुम्हें। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब सच है और देखना जल्द ही तुम्हारा वो घर तुम्हें वापस मिल जाएगा। इतना कहकर जादूगर गायब हो जाता है। कौशल अपने काम में लग जाता है। कई दिनों तक कौशल के चाचा को और उसके परिवार वालों को जादूगर भूत बनकर डराता है। वे सभी डर जाते हैं और उसके चाचा वापस उसे उसका घर देकर वहाँ से अपने परिवार के साथ भाग जाते हैं। अब कौशल को वापस से सब कुछ मिल जाता है। वह पहले की तरह सबकी मदद करना शुरू कर देता है और खुशी खुशी रहने लगता है।